हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का संकट पैदा हो गया है। कई जगह पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया है। तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति कम करने से पेट्रोल की कमी हो गई है। कई पंप पर तीसरे दिन पेट्रोल का टैंकर मिल रहा है। पहले से उपलब्ध पेट्रोल ही ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रदेश में कई जगह पेट्रोल पंप से ग्राहकों को खाली हाथ भी लौटाया गया है। बताया जा रहा है तेल कंपनियां घाटा बताकर कम सप्लाई कर रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पेट्रोल की सप्लाई तीसरे दिन आ रही है। ऐसे में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला के विकास नगर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के संचालक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से पेट्रोल पंप में पेट्रोल की काफ़ी दिक्कत आ रही है। कंपनी द्वारा तीसरे दिन सप्लाई की जा रही है। कंपनी का कहना है कि उन्हें 150 से 200 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पेट्रोल पंप में नालागढ़ डिपो से सप्लाई आती है। एक दिन सप्लाई मिलने के बाद अब तीसरे दिन सप्लाई मिलती है। ऐसे में अब पर्यटन सीजन काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सप्लाई कम आने की वजह से काफ़ी जगह पेट्रोल पंप शुष्क चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन 6,000 लीटर पेट्रोल उनके पेट्रोल पंप में बेचा करते हैं। ऐसे में कई बार जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत आती है। ऐसे में कंपनी के साथ लगातार बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि 15 जून को DAFC और कंपनी के कई बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार इस तरह की दिक्कत पेट्रोल पंप में आ रही है। पेट्रोल का स्टॉक कम होने की वजह से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस तरह की दिक्कत 2013-14 में आई थी, जब पेट्रोल की सब्सिडी खत्म कर दी गई थी, लेकिन सप्लाई फिर भी सही ढंग से मिलती थी। वहीं लोगों को तेल की कमी से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें दिन में कई किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है। ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलता है तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर 1,000 रुपये का ही मिल रहा है, फुल करानी तो 1,000 ही मिल रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही सर, तो यहाँ पे डीजल भी जाए जाए और हमारा भी वो काम हो जाते हैं। पिकअप चलाते हैं सर, दिहाड़ी लगाते हैं पिकअप, जैसे फेरे पूरे मारते हैं। 100 किलोमीटर चलती है गाड़ी और 1,500 रुपये का तेल लगता है डेली सर। हाँ जी, तो सर यहाँ पे एक दिन भी खाली चले गए, मैं ऐसे बिना खड़ी रही गाड़ी पूरा दिन। अब डीजल भेजा जाए यहाँ पे जी, अब सेंट तो लगेगी, जब गाड़ी खड़ी होगी तो अब सेंट तो लगेगी सर। आ रही है सारे पेट्रोल पंप पे ऐसी दिक्कत है जी सर, सारे आ रहे सर। जी मैं मल्याणा। मल्याणा तो कितनी दिक्कत आ रही है पेट्रोल पंप सर? परे तो पेट्रोल वगैरह मिला नहीं है जी, मैं वहाँ से अब यहाँ पर स्पेशली आया हूँ पेट्रोल भरवाने। कहाँ से आया सर? मैं मल्याणा से आया। मल्याणा से आया तो अब नहीं मिल रहा शिमला में पेट्रोल वगैरह? सर थोड़ी तो कमी है। तो क्या कारण मानते हैं इसका कि पेट्रोल की कमी है? सर कारण तो अब एक तो ये युद्ध हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है, और कोई और रीज़न होगा जो ये बचत कर रहे होंगे, इसकी कहीं स्टोर करके रख रहे होंगे, वो भी हो सकता है सर। टूरिस्ट सीजन भी पीक पर है, क्या ये भी कारण हो सकता है? हाँ जी, शिमला में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सर, टूरिस्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि अगर गाड़ियाँ आएगी तो उनके भी तेल खत्म होगा, वो भी भराएंगी हर जगह जी। तो कितनी दिक्कत आ रही है आपको? सर दिक्कत तो इतनी आ रही है कि जैसे कभी आना जाना हो तो पेट्रोल पहले देखना पड़ता है कि कौन से पंप पे मिलेगा। क्या मांग करते हैं आप सर? हाँ जी, क्या मांग करता है सर? मैं मांग करता हूँ कि पेट्रोल की जो पूर्ति है वो भरपूर मात्रा में की जाए। ठीक है भाई। मैं हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल की सप्लाई कम होने के कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से कोई 50-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ पे खुद ही 700-600 लीटर तो पेट्रोल पंप में तेल आ रहा है, और पेट्रोल की जगह वो पावर डाल रहे हैं जो 6 रुपये महंगा है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही है तो हम कहाँ से डाल लें? नहीं नहीं, उस वजह से नहीं आ रही है। इसके बारे में तो मैं
प्रशासन से ही बात कर सकता हूँ कि वो जो भी टूरिस्ट या कोई इमरजेंसी बंदा, किसी को भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे ट्रेन टाइम सही ना मिले बाइक पे तो बहुत लेट हो सकता है ड्यूटी के लिए, ऑफिस के लिए, हर किसी चीज़ के लिए। मैं यहाँ इस प्रॉब्लम का मैनेजर हूँ। हमारे जैसे डिपू से ना हमारे को सप्लाई कम आ रही है, जैसे कई बार बीच में एक दिन छोड़ के आती है सप्लाई, तीसरे दिन सप्लाई मिलती है, जैसे संडे की छुट्टी हो, बीच में छुट्टी हो, तो उस वजह से सप्लाई एक दिन डिले हो जाती है। ऊपर से टूरिस्ट सीजन है तो सेल भी अच्छी है इस टाइम, तो हमारे काफ़ी जैसे HP के पंप है, ड्राई जो आउटलेट है वो ड्राई रहते हैं, अगर बैरियर ड्राई हो जाए तो मेरे पे लोड पड़ जाता है, अगर कैथू जो अनूप सर्विस स्टेशन है उस पर तेल हुआ है तो बैरल पे लोड पड़ जाता है, ऐसे करके एक दूसरे मतलब प्रॉब्लम सबको आ रही है। चलो टूरिस्ट तो पहले भी आता था, बैट तो पहले भी कम था हिमाचल के मुकाबले, बैट कम है हिमाचल में, कम है बैट, अब कुछ और ही दिक्कत है, कुछ जैसे कुछ भी बोल सकते हैं। अब पीछे सात आठ रुपये पर लीटर के कटाए थे इन्होंने, अब सुनने में तो यार है कंपनियाँ पूरे घाटा पड़ रहा है, उससे उन्होंने तेल की राशनिंग कर दी है, कम होगा। पहले कितना यहाँ पर पहले तो हम रूटीन में हमारी मतलब एक गाड़ी आई जाती थी रोज की, मतलब 14-15 हज़ार लीटर बेचते थे हम, तो आज की डेट में तेल ही नहीं आ रहा है तो क्या, यहाँ ऊपर से टूरिस्ट सीजन है, अब कुछ बोल नहीं सकते, अब तो बोलेगा टैंकी फुल करो, तो अगले का तो अब क्या तेल होगा तो फुल कर देते हैं, अगर नहीं है तो नहीं है, लोकल को चलो बोल देते हैं भाई कल आ जाएगी गाड़ी तो कल डाल लेना, अब चलने ला के डाल लीजिए आप। बड़ी गाड़ियों अब देख के अगर स्टॉक है तो दे रहे हैं तेल, अगर नहीं है स्टॉक तो फिर जो लोकल है जो अपना स्टोरेज रखना पड़ता है उस मतलब जो एमरजेंसी के लिए उतना थोड़ा बहुत तो उसको फिर रखना पड़ता है।